स्टूडेंट्स, आज हम क्लास थर्ड ईवीएस का चैप्टर 8 पढ़ेंगे। ये वीडियो 48 है। देखो बच्चों, यहाँ से हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे। पीपल लिव इन डिफरेंट टाइप ऑफ हाउसेस बिकॉज द सर्वरल रीज़न। देखिए बच्चों, लोग जो होते हैं वो अलग अलग तरीके के घरों में रहते हैं, अलग अलग तरीकों के घरों में रहते हैं बिकॉज द सर्वरल रीज़न, क्योंकि उसके बहुत से रीज़न हो सकते हैं, उसके बहुत से कारण हो सकते हैं कि लोग अलग अलग तरह से अपने घरों में रहते हैं। देखिए, द अमाउंट ऑफ मनी अवेलेबल टू बिल्ड द हाउस। पहला कारण क्या है कि घर बनाने के लिए मनी अवेलेबल होना, यानी कि पैसे का होना। सेकेंड देखो, द मटेरियल अवेलेबल टू बिल्ड द हाउस। मटेरियल्स क्या होती है? सामग्री। तो देखिए, बिल्ड द हाउस यानी कि घरों को बनाने के लिए सामग्री का उपलब्ध होना। नेक्स्ट है द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस, है ना, और उस स्थान का क्लाइमेट जो है, मौसम जो है वो सही होना। ये क्या करता है? ये हमारे अलग अलग तरह से घरों में रहने को करता है। आगे देखो, स्पेशल हाउस। अब स्पेशल हाउस कौन कौन से हैं? महत्वपूर्ण घर देखिए, स्लिट हाउस आर बिल्ड ऑन पोल्स और स्लिट इन ए प्लेस लाइक आसाम वेयर इट रेन्स अलॉट। देखिए बच्चों, आसाम में बारिश अधिक होती है ना। तो देखिए, स्लिट हाउस आर बिल्ड ऑन पोल्स। अब देखिए, इस चित्र में आप देख रखे हैं, ये है स्लिट हाउस है, ठीक है। ये कहाँ है? इस प्लेस में क्या होती है? बारिश अधिक होती है। द पोल्स एंड स्लिट्स कीप द हाउस हाई अबाउ द ग्राउंड। देखिए, जो ये पोल्स होते हैं और ये स्लिट जो हाउस होते हैं, वे ही हाउस हाई अबाउ द ग्राउंड, वो ग्राउंड में रह सकते हैं। दिस प्रोटेक्ट अस हाउस एंड द पीपल फ्रॉम फ्लूड्स एंड वाइल्ड एनिमल। फ्लूड्स और जो जंगली जानवर जो होते हैं, उनसे हमें उन घरों में रक्षा होती है, ठीक है। जब हम घरों में रहते हैं तो हमारे वाइल्ड एनिमल, फ्लूड्स वगैरह से हमारी प्रोटेक्शन करते हैं। द रूफ्स ऑफ दीज हाउसेज आर स्टेनिंग सो रेन वाटर स्लाइड्स डाउन ईजिली। देखिए, द रूफ्स ऑफ दिस हाउस, जो हमारे घरों की जो छतें होती हैं, वह स्लैंटिंग, वो कैसी होती हैं? स्लैंटिंग होती हैं। सो रेन वाटर स्लाइड्स डाउन ईजिली, तो जो बारिश का पानी होता है वो स्लाइड डाउन होता है, वो आसानी से हमारी छतों पर गिरता है, ठीक है। अब आप देखिए, नेक्स्ट है टेंट्स। टेंट्स आर मूवेबल शेल्टर्स। मूवेबल शेल्टर्स क्या होता है? आश्रय। टेंट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? चलने वाले शेल्टर्स होते हैं। टेंट्स को हम कहीं से भी हटाकर कहीं भी लगा सकते हैं, ठीक है। दे आर मेड ऑफ कानवास, है ना। जो कानवास, ये इस चित्र में देखिए, ये है टेंट्स, है ना, और ये है कारावन। तो देखिए, दे आर मेड ऑफ कानवास क्लोथ एंड लेदर। किस किस के बने होते हैं वो? कानवास के, कपड़ों के और लेदर के बने हुए होते हैं टेंट्स। दे कैन बी फिक्स्ड एंड फोल्डेड इजीली। बच्चों देखो, वो फिक्स्ड होते हैं और फोल्डेड इजीली, यानी कि हम उन्हें आसानी से फोल्ड कर सकते हैं, मोड़ सकते हैं। दे आर यूज्ड बाय पीपल इन माउंटेन्स एंड डिजर्ट एंड वाइल्ड कैंपिंग। अब बच्चों देखो कि दे आर यूज्ड टू पीपल, लोग उन्हें पर्वतों पर, डिजर्ट्स पर यूज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है कारावन। इस चित्र में देख रहे हैं आप, ये है कारावन इज ए हाउस। कारावन एक ऐसा घर है ऑन व्हील्स, जिनके व्हील्स होते हैं। व्हील्स क्या होते हैं? पहिए, जिनके पहिए होते हैं। इट मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनोदर, ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाए जा सकते हैं। इट इज यूज बाय गाइप्सिस एंड सर्कस परफॉर्मर, ये हमेशा सर्कस परफॉर्मर के लिए और गैप्स के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट है इग्लूज। इग्लूज देखिए, इस चित्र में आप इग्लू देख रहे हैं। इग्लूज आर डम शेप्ड हाउस मेड ऑफ ब्लॉक ऑफ आइस। इग्लूज जो होते हैं वो डम शेप के घर होते हैं और वो किसके बने हुए होते हैं? ब्लॉक ऑफ आइस। उसके आसपास क्या होती है? बर्फ ही बर्फ होती है। दे कैन ओनली बी मेड इन एक्सट्रीमली कोल्ड रीजन्स लाइक ग्रीनलैंड। देखिए, जैसे ग्रीनलैंड जो है वो एक्सट्रीमली कोल्ड रीजन्स में बने होते हैं, ठंडे क्षेत्रों में बने हुए होते हैं इग्लूज। इन यूट्स आर द पीपल हु लिव इन इग्लूज। देखिए, यूट्स में जो लोग होते हैं वो इग्लूज में रहते हैं। अब हाउस बोट्स देखिए आप, ये नेक्स्ट चित्र में हाउस बोट है। तो हाउस बोट आर मूविंग हाउस मेड ऑन बोट्स। देखिए, हाउस बोट्स जो हैं वो क्या होते हैं? मूविंग हाउस होते हैं, चलने वाले घर होते हैं। मेड ऑन बोट्स, वो बोट्स के बने हुए होते हैं। बोट्स यानी क्या होती है? नाव पर,
नाव पर बने हुए होते हैं। दे आर फाउंड इन लेक्स, वो किस में मिलते हैं हमें, वे झीलों पे हमें मिलते हैं। हाउस बोट्स आर ए कॉमन साइट इन द दाल लेक इज श्रिंकर एंड द बैक वाटर्स ऑफ केरला। देखिए केरला का जो बैक वाटर है और दाल लेक का, श्रीनगर का जो क्या है दाल लेक, इस पर कॉमनली क्या होते हैं, ये बोट्स होते हैं, इन पर ये घर बने हुए होते हैं। दे आर ए ऑफ ए ग्रेट टूरिस्ट अट्रैक्शन। देखिए जो टूरिस्ट होते हैं, जो हमारे देश में आते हैं टूरिस्ट, उनके लिए वो क्या है, ग्रेट अट्रैक्शन है ना, उनको वो जो ये हाउस बोट्स होते हैं वो बहुत अधिक पसंद आते हैं। ठीक है बच्चों, आज हम इस चैप्टर को यहीं तक पढ़ रहे हैं, आपको इसको 2 times पढ़ना है, आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, आज हमने स्पेशल हाउस, स्लेट्स हाउस, टेंट, कारावन, इग्लूज और हाउस बोट्स के बारे में बच्चों पढ़ा है। थैंक यू।